बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स योर टीचर ज़ैन तारिक। और अब हम एलिप्स का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो है जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, यानी कि एक ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन के अलावा किसी भी और पॉइंट पर है, और आप उसके एक्सीस, मेजर और माइनर एक्सीस, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होने के बजाय उनके पैरेलल है। यानी एक मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक ऐसी लाइन पर है जो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जाए एच के, और फोकाए फॉर एग्जांपल, जितना एच के से आगे दूसरा उतना ही एच के से पीछे, या जितना एच के से ऊपर उतना ही एच के से नीचे। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे सी ज़ीरो और माइनस सी ज़ीरो, तो अब हो जाएंगे माइनस सी प्लस एच, यानी एच से सी यूनिट आगे, और माइनस सी यूनिट यानी सी यूनिट पीछे, और वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो के बजाय बन जाएगा के। सो एलिप्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक, अगर पी एक्स वाई मूविंग पॉइंट एलिप्स पर मौजूद है, तो फिर इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एस से और एस डैश से और इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। वो कांस्टेंट हम लिया करते थे 2a, डिस्टेंस निकाला करते थे डिस्टेंस फार्मूले से, और बता देते हैं कि जो ये हमने कंसिडर किया वो जैसा भी है गिवन पैरामीटर c से बड़ा है। यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा। अब अल्फ़ाबेट हमारे पास एक्स वाई और c के बजाय h और k भी शामिल है। अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो यहाँ पर एक ट्राइनोमियल मौजूद है एक्स, सी और एच, तो हम एक काम ही करते हैं कि एक्स और एच को साथ रखते हैं और सी को अलग कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स माइनस एच माइनस सी, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो एक्स माइनस एच प्लस सी, और इसको फिर ओपन कर देते हैं। लेकिन ये रेडिकल वाली इक्वेशन है, तो रेडिकल वाली इक्वेशन में से रेडिकल हटाना भी है, तो आए रेडिकल को रिमूव भी करते हैं। रेडिकल को रिमूव करने के लिए हमने इस वाले रेडिकल को अकेला किया और इस दूसरे रेडिकल को भेजा 2a के पास, और इसके बाद फिर हमने स्क्वायरिंग कर दी, और स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और वहाँ पे लग गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू 2a बना 4a, और b एज इट इज़ आ गया, और b का स्क्वायर जब आया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये पूरा बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। ओपन कर देते हैं, जब ये दोनों ओपन कर दिए तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले कि एक्स माइनस एच के स्क्वायर से एक्स माइनस एच का स्क्वायर कैंसिल, और प्लस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, और फिर इसके बाद रेडिकल वाली टर्म को दोबारा अकेला करते हैं, तो ये माइनस फोर ए वहाँ जाकर प्लस फोर ए हो जाएगा, और ये माइनस टू सी एक्स माइनस एच वहाँ आके प्लस टू सी एक्स माइनस एच हो जाएगा, और जबकि प्लस फोर ए स्क्वायर यहाँ पहले से था। फिर इसके बाद 2c और 2c वाली टर्म ऐड होके बन गई 4c, और फिर इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ सी एक्स माइनस एच, और यहाँ बचा सिर्फ ए स्क्वायर। इस तरफ के 4 से इस तरफ का 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बचा उसके रेडिकल, उसमें से भी हटाना है, तो स्क्वायरिंग दोबारा कर दी, और इसके बाद यहाँ पर a पर भी स्क्वायर आया, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद ए स्क्वायर यहाँ पे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, सब तीनों के साथ ए स्क्वायर आ गया। तो पता ये चला कि ये टू ए स्क्वायर सी एक्स माइनस एच और टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एच बिल्कुल सेम, तो ये दोनों कैंसिल हुई, और उसके बाद एक्स माइनस एच वाली टर्म को एक्स माइनस एच वाली टर्म के पास भेजा, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ए रेज टू फोर के पास भेजा, ताकि कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ हो जाए। और ये काम करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आई हमारे पास, x माइनस एच वाली टर्म x माइनस एच वाली टर्म के साथ, y माइनस के वाली एक ही टर्म थी, और कॉन्स्टेंट्स एक साथ, कॉन्स्टेंट्स में से ए स्क्वायर कॉमन, और x माइनस एच वाली टर्म में से x माइनस एच कॉमन निकला स्क्वायर के साथ। यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह इसको भी बी स्क्वायर का नाम दे दिया, तो ये बन गया बी स्क्वायर x माइनस एच के साथ, y माइनस के साथ ऑलरेडी ए स्क्वायर था, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, उसके बाद हमने कांस्टेंट को वन बनाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हुई बी स्क्वायर की, यहाँ पर ए स्क्वायर की और यहाँ पर दोनों की, तो कांस्टेंट वन बना, एक्स माइनस एच के नीचे आ गया ए स्क्वायर, वाई माइनस के नीचे आ गया बी स्क्वायर, जो कि एक ऐसे एलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर मौजूद है हमारे पास एच के पर और उसका मेजर एक्सेस, एक्सेस नहीं बल्कि हमें लिखना चाहिए मेजर एक्सेस। तो इसका मेजर एक्सेस हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सेस नहीं बल्कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और अगर इक्वेशन ऐसी हो यानी वाई माइनस के का डिनोमिनेटर बड़ा हो तो सेंटर तो वही एच के होगा, लेकिन अब जो मेजर एक्सेस होगा वो पैरेलल होगा वाई एक्सेस के, और माइनर एक्सेस एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, यहाँ पे माइनर एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस का एनालिसिस करते हैं। दोनों इक्वेशंस और इनकी डायग्राम्स हमारे सामने, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एलिप्स आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस फ़र्क इतना सा आएगा कि अब पूरा ग्राफ एच यूनिट्स आगे और के यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से हर कोऑर्डिनेट में और हर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू में एच ऐड हो जाएगा और वाई की वैल्यू में के ऐड हो जाएगा, और जो इसकी इक्वेशन है उसमें ऐड होने के बजाय एक्स में से के एच सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वाई में से के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो आपको जनरल फॉर्म भी याद है। बस ये याद रखिएगा कि इक्वेशन में एच और के सब्ट्रैक्ट होता है, यानी एक्स में से एच और वाई में से के, और एनालिसिस में चीज़ों में एक्स के लिए एच ऐड होता है और वाई वाली चीज़ों के लिए के ऐड हो जाता है। तो आइए इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। सेंटर पहले होता था 0 0 ओरिजिन, और अब होगा हमारे पास एच और के, यानी 0 + h और 0 + k। तो सेंटर हमारे पास है एच और के, एक्सेस मेजर एक्सेस पहले होता था लॉन्ग एक्स एक्सेस, अब होगा पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती थी वाई इज इक्वल टू 0, तो अब मेजर एक्सेस की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू 0 + k। इसी तरीके से माइनर एक्सेस होगा हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सेस, और इसकी इक्वेशन पहले होती थी, पहले वाई एक्सेस होता था एक्स इज इक्वल टू 0, अब एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा 0 + h। लेंथ सेम रहेंगी, मेजर एक्सेस की 2a, सेमी मेजर एक्सेस की a, माइनर एक्सेस की 2b और सेमी माइनर एक्सेस की b यूनिट्स, और इसी तरीके से वर्टिसेस पहले होते थे a 0, अब हो जाएंगे प्लस माइनस a प्लस h 0 + k, यानी कि आपको पता है कि a बनेगा a प्लस h के और a डैश बनेगा माइनस a प्लस h के, फोकाए एस और एस डैश। पहले होता था प्लस माइनस सी 0, अब हो जाएगा प्लस माइनस सी प्लस एच और 0 + k। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस बी और बी डैश पहले होते थे 0 प्लस माइनस बी, अब हो जाएंगे 0 + h और प्लस माइनस बी प्लस के। लेंथ है लैटिस रेक्टम की सेम रहेगी क्योंकि लेंथ है, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, 2b² / a यूनिट्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले होती थी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, अब होगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और एक्स है तो प्लस एच। इसेंट्रिसिटी डिस्टेंसेस का रेशो होता है, सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम है तो उनका रेशो भी सेम ही रहेगा, सी अपॉन ए जो कि लेस देन 1 क्योंकि सी छोटा है इसे, और रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि इस डेरिवेशन में भी हमने ये असम्पशन की थी। अब यही काम हम दूसरी जनरल फॉर्म के लिए कर लेते हैं। सेंटर एच के मेजर एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस,
इक्वेशन x इज इक्वल टू h माइनर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू k मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b यूनिट्स, वर्टिसेस होते थे पहले 0 प्लस माइनस a, अब हो जाएंगे h प्लस माइनस a प्लस k, फोकाई पहले होते थे 0 c, अब हो जाएंगे h प्लस माइनस c प्लस k, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस होते थे पहले क्योंकि माइनर एक्सेस एक्स एक्सेस पर था तो पहले होते थे बी ज़ीरो प्लस माइनस बी ज़ीरो, अब हो जाएंगे प्लस माइनस बी प्लस एच ज़ीरो प्लस के। लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा, लेंथ है सेम रहेगी अगेन टू बी स्क्वायर अपॉन ए यूनिट्स। लेटस रेक्टम की इक्वेशन होती थी पहले वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, अब हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e प्लस k। एसेंट्रिसिटी रेशो सेम रहेगा c अपॉन a और रिलेशन भी सेम रहेगा जो हमने लिया था a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये है हमारे पास बेटा कंप्लीट एनालिसिस जनरल फॉर्म का। जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म आती है उसके लिए जनरल फॉर्म पर काम करना कोई भी मसला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों में x के लिए h ऐड करवा दें, y के लिए k ऐड करवा दें, और इक्वेशन में फॉर्मूले में इक्वेशन के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर आता था y स्क्वायर आता था बस। जनरल फॉर्म में x में से h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y में से k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म, यह है जनरल फॉर्म, और वही दो काम हमने इसके साथ भी करने, यानी या तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो और इक्वेशन निकालनी हो एलिप्स की, या फिर हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन और उसे हमें जनरल फॉर्म में रिड्यूस करके उसका एनालिसिस करना हो, यानी उसकी सारी चीज़ें बतानी हो। तो आइए काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।